दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ट्विटर पर दिल्ली में स्वच्छ पानी की अनियमित आपूर्ति का बचाव करने के लिए फिजिक्स के नियमों का उपयोग करने की कोशिश करने के बाद ट्विटर पर हंसी का पात्र बन गए हैं और ट्विटर पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने सिसोदिया ने पानी की खराब गुणवत्ता के बारे में एक पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को दी जाने वाली कीचड़ वाले पानी के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पानी खराब हो गया था क्योंकि लोग गलत समय पर पानी भर रहे थे। सिसोदिया ने आगे कहा कि अगर पानी की आपूर्ति की जा रही है उस दौरान नल चालू होने पर पानी साफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब नल को पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही थी उस समय नल चालू होने पर पानी गंदा हो जाता था, ऐसे में कीचड़ मोटर में मिल जाते थे और जिससे पानी कीचड़ से भरा हो जाता था। सिसोदिया ने कहा कि अगर आप आपूर्ति के घंटों के बाद अपनी मोटर चलाते हैं तो फिजिक्स बताती है कि ये बेकार हो जाएगी और पानी में कीचड़ ही आएगा। साफ पानी सुनिश्चित करना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। खैर, ये तो जनता समझ ही गई है कि आम आदमी की सरकार उन्हें गंदगी वाली पानी दे रही है और सरकार अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बचकाना बयान भी दे रही है। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं जितना कि सिसोदिया उन्हें समझते हैं। ट्विटर पर सिसोदिया के प्रशासनिक कमियों की भरपाई के लिए भौतिकी के नियमों के साथ खिलवाड़ करने के लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। व्यंगात्मक हैशटैग साइंटिस्ट सिसोदिया ने ट्विटर पर ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया है।